चाहूंगा आज के बारे में रिकॉर्डिंग के बारे में, कौन सी फिल्म का कौन सा प्रोडक्ट का ये गाना था? फिल्म का नाम है करप्टेड सत्या, एंड गाने का म्यूजिक डायरेक्टर जो है वो है प्रेमचंद्र जी, एंड गाना इसी के ऊपर है, सेंसर बोर्ड का करप्शन के ऊपर ये पिक्चर है, एंड बहुत ही अच्छा मज़ेदार कॉमेडी टाइप का सॉन्ग बना हुआ है, रिदमिक सॉन्ग है, बहुत मजा आया। तो सेंसर बोर्ड के करप्शन के ऊपर है तो काफी कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे? आपने कभी फेस किया है उसके करप्शन का जो देखना पड़ता है फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को? मैं एक पिक्चर बहुत पहले बनाया था तो उसमें सेंसर का थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, जो प्रॉब्लम होना चाहिए वो तो प्रॉब्लम सेंसर बोर्ड कुछ करते नहीं है उसके बारे में, जो नहीं दिखाना चाहिए उसको छोड़ देते हैं, नहीं काटते उसको रख देते हैं, जो बात बोलना नहीं चाहिए उसको छोड़ देते हैं, लेकिन जो बोलना चाहिए उसको सेंसर बोर्ड बोलने नहीं देते। तो ये जो है, ये जो करप्शन है, ये करप्शन का करप्शन के एगेंस्ट में ये पिक्चर को लेके आगे बढ़ रहा है, इसलिए मैं इसको सहयोग दे रहा हूँ। और ये गाना जो है बहुत ही मेलोडियस सॉन्ग है, प्लस 90s का एक फ्लेवर है इसमें, एंड डेफिनेटली एक लड़का मुंबई आता है और कैसे किस तरह से वो रंग जमाने का कोशिश करता है, रुपया पैसा और ये और किस तरह से फिल्म सेंसर बोर्ड में घुसता है, सेंसर बोर्ड में घुसते हैं, एंड सेंसर बोर्ड में वो किस तरह से पैसा कमाता है और भी बाद में सेंसर बोर्ड के ही अगेंस्ट में क्यों जाता है, इस फिल्म की कहानी है। और उसके बाद में सेंसर बोर्ड के करप्शन के खिलाफ जाने के बाद में उसके साथ में क्या होता है, सच में करप्शन के खिलाफ लड़ना इतना आसान है क्या? बहुत ही वही उसके बाद में उसके साथ में होता है, सुसाइड करने की नौबत आती है, सच में गवर्नमेंट हमको मदद करती है क्या, वही इस फिल्म की कहानी है। और दादा ने ये गाना गा के मेरे पे दुनिया में थैंकफुल दादा, इट्स ओके, बहुत अच्छा गाना था और हमने हमको भी गा के बहुत मजा आया। और दादा ये जानना चाहूँ कि आज के दौर में देख रहे हैं सुरक्षा की भावना काफ़ी सारे हैं, काफ़ी सारे इंसिडेंट्स हो रहे हैं, रेप केसेस, क्या कहना चाहेंगे कि कितनी दुख की बात है और कितना ज़्यादा मतलब लोगों को सजग होना चाहिए इस चीज़ को लेकर और कितना ज़्यादा उस चीज़ को एक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? नहीं, कुछ हमारे यहाँ पे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो कानून है, उसको थोड़ा सख्त होना पड़ेगा, जैसा विदेशों में है बहुत ही सख्त है कानून, किसकी सजा क्या होना चाहिए ये तय करते करते वो आदमी का सजा का टाइम ख़त्म हो जाता है। तो एक तो थोड़ा सा हमारे जो न्यायालय जो है उनको थोड़ा सा और कुछ ज़्यादा रिक्रूटमेंट करके हो, जिस तरह से हो केस को जल्दी जल्दी सलटाने का एक प्रक्रिया होना चाहिए, एंड दूसरी बात है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस में आमूल चेंज होना ज़रूरी है कि किसका कि क्या सज़ा होना चाहिए एंड किस जुर्म का किस तरह का सज़ा होना चाहिए, ये विदेशों से हमें सीखना ज़रूरी है। और इसके अलावा कौन से प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, कोई सिंगल या कोई फिल्म प्रोजेक्ट की बात करना चाहिए? नहीं, अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं, जैसे मैं क्या बोलूँ, मैं कल ही करण जौहर जी का एक फिल्म का गाना गाया, एंड ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट है जो मैं विदेश के साथ कोलाबोरेट कर रहा हूँ, जैसे अमेरिका में जस्टिन बीबर का म्यूजिक डायरेक्टर पू बेयर के साथ एक मेरा कोलाबोरेशन होने का चल रहा है अगला महीना, एंड बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो नया करके आप लोगों को मुझे दिखाई देगा। एक आखिरी सवाल, कल जावेद अख्तर जी ने 13 करोड़ रुपए बांटे IPRS के माध्यम से कंपोजर्स और ऑथर्स को, क्या कहना चाहेंगे? रॉयल्टी जो इशू है उसको लेकर काफी काम हो रहा है। काश हमारे उसमें भी ऐसा होता, हमारे उसमें अभी इतना पैसा नहीं आया, हमारे भी शुरू हो गया, हम सबको थोड़ा थोड़ा एक डॉट ही सही, लेकिन थोड़ा मिलना शुरू हुआ फर्स्ट टाइम, ये बहुत गर्व की बात है कि हमारा एसोसिएशन लड़ रहा है यह, इसके लिए बहुत सारे लोग जैसा स्पेशली संजय टंडन जो बहुत लड़ रहा है, एंड हम सबको थोड़ा थोड़ा करके चेक मिला, लेकिन मिला सही, लेकिन अभी तक तो रेडियो वेडियो कुछ फाइनल नहीं हुआ, वो जब तक फाइनल नहीं होता है हम लोग को ज़्यादा ज़्यादा नहीं मिलेगा, फिर भी कोशिश जारी है, जैसा ये सेंसर बोर्ड के अगेंस्ट में कर रहा है खिलाफ जारी है इसका संग्राम, वैसा हमारा भी चालू है, देखते हैं क्या होता है। क्या कहना चाहेंगे इस प्रोजेक्ट को लेकर? प्रोजेक्ट अच्छा है, प्रवीण भाई ने मुझे बोला कैसा ऐसा प्रोजेक्ट है, मुझे सब्जेक्ट अच्छा लगा इसके लिए मैंने थोड़ी कोशिश किया। तो आपकी तरफ से क्या सहयोग होने वाला है इस प्रोजेक्ट के लिए, कैसे सहयोग करने वाले हैं? सहयोग क्या, सब सहयोग ही है, प्रवीण भाई इतने खास हैं जी।
अपने बंदों के लिए कोई सहयोग की बात कहने की नहीं होती, वो किया जाता है सब कुछ। और जो सेंसर का इशू जो है, करप्शन का, क्या समझ रहे हैं कि कितना कंट्रोवर्शियल होगा जब ये फिल्म पर्दे तक जानी जाएगी, कितना चुनौती हो गई है? पर्दे पे जाएगी तो क्या होगा ये तो मतलब अभी बहुत दूर की बात है, लेकिन ये जरूर है कि कुछ तो जागरूकता आएगी लोगों में कि ऐसा भी होता है। प्रवीण भाई ने ये सब करके ऑनलाइन करा दिया सब सेंसर बोर्ड को, ये बड़ी बात है अपने आप में। तो प्रवीण आप क्या कहना चाहेंगे, क्यों ये प्रेरित किया आपको पीछे मैंने कैसा क्या आपने मतलब पीछे जिंदगी में किस तरह से आप? क्योंकि सेंसर बोर्ड का करप्शन निकालने वाला मैं ही बंदा हूँ। अच्छा, सेंसर बोर्ड के करप्शन को मैंने ही बाहर निकाला 2014 में। अच्छा। मैं 2006 से सेंसर बोर्ड में काम करता था। अच्छा। काफी प्रोड्यूसर लोगों के काम करता था, अभी तक 3,500 फिल्में मैंने कर चुका हूँ सेंसर पास एज ए रिप्रेजेंटेटिव तौर पर। लेकिन मुझे पता चला कि सेंसर बोर्ड कभी कभी ऐसी छोटी पिक्चर्स को या छोटे बजट वालों को कभी कभी इस तरह से काटता है कि उसको सुसाइड करने पर विश कर देता है। काफ़ी फिल्में डब्बे में अभी यानी सेंसर बोर्ड में पड़ी की पड़ी रहती है, निकालने वाली सेंसर बोर्ड जानबूझ के, हालांकि बड़े बैनर्स की रहेगी तो ग्रैंड मास्टर जैसी पिक्चरों को पास कर देता है, लेकिन छोटे बजट के लोगों की जितनी भी पिक्चर रहेगी उसको कुछ ना कुछ काटने की कोशिश करता है। तो ऐसे ही मेरे एक प्रोड्यूसर के साथ में हुआ, वो प्रोड्यूसर हार्ट अटैक से मर गया। उसके बाद में मुझे प्रेरित किया कि नहीं मैं करप्शन के खिलाफ लड़ूँ, तो मैंने इसीलिए करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाई। और देन फिर उसके साथ बाद में मेरे साथ जो हुआ कि सच में करप्शन के खिलाफ लड़ना इतना आसान हमारे देश में नहीं है। हमें बेवकूफ़ समझा जाता है जब हम करप्शन के खिलाफ लड़ते हैं। ओके, और आपकी जो फैमिली है वो स्पॉइल हो जाती है, और वही मेरे साथ में हुआ। मैं सब्जी भाजी बेचने के लिए विवश हो गया, मैं 80-90 हज़ार कमाता था, तो बाद में मुझे सब्जी भाजी बेचने पर विवश होना पड़ा। ऐसा क्यों? क्या गवर्नमेंट को पता नहीं था इसके बारे में? वो तो सेंट्रल से था, और वहाँ पे तो अच्छे अच्छों को इवन मोदी जी ने भी वहाँ अपॉइंट किया था प्रहलाद नीलानी जैसे लोगों को, तो क्या उनको मेरे बारे में पता नहीं था? टाइम्स ऑफ इंडिया से लेके आज तक में मेरे बारे में छापा गया, तो क्या उनको पता नहीं था कि प्रवीण मोहारे जब सब्जी भाजी बेच रहा है तो ऐसा क्यों? उसने तो अच्छा काम किया। तो वही मेरी फिल्म बताएगी कि करप्शन के खिलाफ लड़ने की यानी जो कोशिश करता है उसकी हालत क्या होती है, वही मेरी फिल्म का जरिया है। और वहाँ बॉलीवुड का दर्शन पूरे दिखेगा कि बॉलीवुड में क्या है, वो मेरी फिल्म में है। आप सर क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म को लेकर? फिल्म इंटरेस्टिंग है, एक्शन भी है, रोमांटिक भी है, देखने लायक है, बहुत अच्छी है। और प्रवीण जी का ये जो प्रयास है इस तरह का जो विषय स्ट्रगल है, प्रवीण सर का बहुत स्ट्रगल है और बहुत स्ट्रगल करके मूवी बनाया है, तो ये मैं चाहूँगा सबसे कि देखना चाहिए और बहुत इंटरेस्टिंग। और सबसे पहले इनको बोलता हूँ ऑल द बेस्ट, क्योंकि ये ऐसे हस्ती है जो मेरी फिल्म जो है ढूंढ लेंगे मंजिलम, इन्होंने मेरा इतना वो साथ दिया है, तो सर थैंक यू, आप आपके लिए ऑल द बेस्ट, अब आगे बढ़े यही मेरा दुआ है सर, थैंक यू सर। कल्याणी क्या कहना चाहेंगे, कितना मुश्किल होता है सेंसर से पास कराना फिल्म, आपके लिए कितना चुनौती? बहुत मुश्किल होता है भाई, ये बेस्ट आदमी है सेंसर के लिए, बेस्ट आदमी है, और इनको ये सब जो आप देख रहे हो ना सर, ये सब इन्होंने केस किया है, ये देखो इतनी मेहनत किया है, पूरा दिखाइए सर आप, ये देखिए पूरी इन्होंने पूरी मेहनत किया है, ये इनकी मेहनत है, ये देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया से लेकर हर पेपर में आए हैं। मैं चाहता हूँ आप लोग देखा है इसको, चोर आदमी बैठते हैं सेंसर बोर्ड में और अच्छे आदमी को निकाल देते हैं, तो ये हमारे एक अच्छे इंसान है, और इंडिया में ऐसे आदमी को आज काम से निकाल देते हैं और ये भाजी बेचते हैं। तो सबसे पहले प्रवीण जी को मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ, जो इतने बड़ा हसला को उन्होंने आगे बढ़ाया, और सबसे बड़ी बात है भाजी बेच के आज वो फिल्म बना रहे हैं, तो मैं सैल्यूट करता हूँ एक फूल बेचने वाला कल्याण जी फिल्म बना, एक भाजी बेचने वाला फिल्म बना रहा है, तो मैं खाली इतनी बोलता हूँ आप सब मिलके मीडिया सपोर्ट करें, और सपोर्ट करके आप लोग इसको देखा है, और जो करप्शन है आज उसको ख़त्म करें, सेंसर बोर्ड में बहुत बड़ा है करप्शन, उसको ख़त्म करें, प्रवीण जैसे जैसे अच्छे इंसान को फिल्म को आगे लेके आए, और उसको सपोर्ट करें सर, थैंक यू।